गीता के 202 पेज पे मैं आ चुका हूँ। इसमें श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निश्य श्रेय सक्रा उभो तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ भक्ति युक्त कर्म का मतलब है कि आप जो भी कर्म करें, जो भी काम करें, उससे लीन हो जाएं, वही आपका धर्म है, वही आपका बच्चा है, वही आपका माँ है, वही आपका पत्नी है, वही आपका माँ बाप है, उस तरह से कर्म को करिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही विद्या देते हैं कि कर्म करना एक अलग चीज़ है और भक्ति कर्म करना एक अलग चीज़ है। भक्ति कर्म करिए, कर्म मत करिए, कर्म फल की चिंता मत करिए, आप भक्तिमय पर कर्म करते जाइए, फल आपका अच्छा ही होगा, भक्तिमय ही होगा। दूसरे अध्याय में मैं पढ़ रहा हूँ, गया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि ना कांक्षति निर्दंदो ही महाबाहो सुखं सुखम बंधा प्रतम्योचते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंध को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। कर्म फलों से की ना जो चिंता करता है और कर्म फलों की ना घृणा करता है, वो सन्यासी बन जाता है, वो सन्यासी होता है, वो कर्म को भक्ति के रूप में करता है और उसी को अपना धर्म मानता है और वो सन्यासी कहलाता है। और वैसा जो मनुष्य होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। या मोक्ष का प्राप्ति का मतलब है जन्म और मरण की जो जाल है उससे छूट जाना, भगवान के शरण में चल जाना। सांख्य योगो पृथ्वला प्रवदंती ना पंडिता एक मप्यासती समयुगो भयो विदंते फलम। अज्ञानी की ही भक्ति